माननीय श्री चन्दा चौधरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 19 गत्ते के एक माननीय जी ने जो विषय वस्तु आपत्तिजनक कुछ शब्द रखी उसको मान्य सदस्य त्यो विषयमा मैले रुलिंग गरिसकेको छु। के रुलिंग गरेको छु भने त्यो विषयमा सबै हटाया जाए विवरण म लिएर त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्छु। त्यो विषयमा तपाई नजानु होला। ठीक है सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो विषयमा मैले रुलिंग गरिसकेको छु, म सबै विवरण लिएर छान्छु। धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ और बात रखना परामर्श समितिमा राख्छु, त्यो विषयमा तपाई प्रवेश नगर्नु होला। मैं कुछ और बात रखना चाहती हूँ कि हम लोग वंशज नागरिक है, जो वंशज नागरिक भी आज से नहीं इस नेपाल में 2048 साल से स्वर्गीय आदरणीय गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेके माननीय हृदयेश त्रिपाठी जी से लेके राजेंद्र महतो जी, सरिता गिरी या अनिल झा जी, संपूर्ण लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं। आज मैं हिंदी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी बोलने से सारे लोग भारतीय और हुआ कि भारत के बेटी चेली जो इस संसद में दादागिरी कर रही है, तो मुझे लगता है हमारा मान्य सदस्य मैं भनि सकेको छु त्यो विषय नतोरे हुनु होला। और हमारा कानून कैसा है, भारत के बेटी थोड़ी यहाँ बैठ सकती है। मलाई भन्नु भएको छ त्यसकारण त्यो विषय सरिता गिरी जी या भारत के बेटी कई बार लाइन काट्नु पर्ने हुन सक्छ, अन्य विषयमा जानु त्यो विषयमा नजानु होला। वैसे खून खौलने वाले को आप लोग अपना सचेत कराए। सम्माननीय सभामुख जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक विषय पर एक ही बार इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। संसद का एक नियम है, सिस्टम है, मुझे पता नहीं है, मैं अपने सचेतक जी से बात की, अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ। और आपने रूलिंग कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे से संसद में जो सिस्टम है, जैसे कि नियमावली है संसद संचालन के लिए, उसमें ही लिखा गया है कि जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं। हम लोग हिंदी में ही शपथ ग्रहण लिए, तो उसमें माननीय जी लोग को कोई आपत्ति नहीं हुआ, उस टाइम कोई आपत्ति नहीं है। संविधान में है कि हमारे देश में नेपाल भारत संबंध और नेपाल भारत शादी विवाह सब हो सकता है, हो रहा है। और मैं माननीय जी को आपके मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा, भेष, संस्कृति या राष्ट्रीयता या मदेश का इतिहास, ये सभी पर मैं उनसे घंटों टॉक करना चाहती हूँ। सत्य तथ्य के आधार पर, सारा चीज़ के आधार पर और लॉजिकल टॉक करना चाहती हूँ, न कि हवा में और स्वस्थ लोकप्रियता के लिए लूज टॉक न करें, मेरा ये आग्रह है। और जो स्पीच है उसको आपने कहा मैं हटा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, म केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा अब अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो भइरहेको छ, त्यसकारण म नियमावलीको 21 को मतिर सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले सबैको बुद्धि विवेक लगाएर असाध्य जोखिमपूर्ण समयमा पनि सदन चलाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ, करिकरी हामी निष्कर्षमा पुग्दैछौँ, हामी सफलतातिर जाँदैछौँ, एउटा शक्तिशाली सन्देश दिन सफलतातिर गइरहेको बेलामा म के भन्छु त भन्दाखेरि व्यक्तिगत टिका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोपतिर नजाउँ। फेरि विषय उठिसकेको छ, मैले स्पष्ट रूपमा यहाँ रुलिङ पनि गरिसकेको छु, सबै यी विवरणहरू हामी पल्टाएर हेर्नेछौँ र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति त्यहाँ सबैमा सबैको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सबैको यथोचित छानबिन हुनेछ। त्यसकारण म यसै अनुसार सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।